नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या करती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी और क्या करते होंगे उनके परिवार वाले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कहीं साल बीत चुके हैं, मोदी जी ने अपना घर और परिवार छोड़े हुए हैं। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी है जो कि देश की सेवा करते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने भी कई बार कहा कि उनके लिए 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि मोदी जी की जो शादी है 22-23 साल की उम्र में तब उनकी शादी हो गई थी। आपको बता दें कि गुजरात के एक छोटे से गांव में उनकी शादी हुई थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दोनों पति पत्नी के बीच का रिश्ता है जो लगभग है जो 3 साल का चला था। तीन सालों में है जो सिर्फ 3 महीने वो साथ रहे थे। फिर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी है जो कि संघ के कार्य में चले गए थे। और आपको बता दें कि धीरे धीरे पति पत्नी के बीच है जो दूरियां बढ़ने लगी थी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल में मोदी जी की पत्नी ने कहा कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करते जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कश्मीर से धारा 370 हो या फिर 35 ये हटाना हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, दोस्तों आपको बता दें कि ये मुद्दे काफ़ी पुराने थे जिस पर वर्षों से कई पार्टियां इन पर राजनीति करती आ रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार जैसे ही दोबारा सत्ता में आई, कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया और राम मंदिर का भी फैसला आ गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान के भी छक्के छूट चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो पाकिस्तान भी काफ़ी डरा हुआ है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो पाकिस्तान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती हुई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि वहाँ पर जो महंगाई और भूखमरी जैसे हालात बने हुए हैं। खैर जो भी हो दोस्तों, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो पत्नी आज भी है जो खुद के दम पर है जो छोटा मोटा कार्य करके अपना गुजारा करती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो वाइफ वगैरह है वो भी है जो छोटी मोटी दुकान चला कर अपना घर और परिवार चलाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी को भी जब भी समय मिलता है तो हालांकि वो आपको बता दें कि उनके परिवार वाले और उनकी माता जी से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से जी बीजेपी है जी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के कई राज्यों में जी अपनी सरकार बनाई है। तब से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से जी के भारतीय जनता पार्टी है जी के कई राज्यों में जी के बोलबाला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही बार है जी के मोदी जी है जी के फुल बहुमत के साथ है जी के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी भी है जी वो भी अपना घर और परिवार छोड़कर अपने राज्य और देश की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने भी अपना घर और परिवार छोड़कर है जी वो भी उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि आज भी है जी मोदी जी का परिवार है जी खुद के दम पर अपना कार्य करके गुजारा करता है, ना कि मोदी जी से किसी तरह का उम्मीद रखता है। दोस्तों आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।